हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ 3 बेडरूम के घर का नक्शा, जिसकी फाइल को आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसी प्रकार के और हाउस प्लान देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सरिता चौधरी और आप देख रहे हैं RD डिजाइन। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज हम बात करेंगे रेजिडेंशियल बिल्डिंग के फ्लोर प्लान के बारे में। आज का अपना जो ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग का फ्लोर प्लान है वो है ईस्ट फेसिंग, जिसके 3 साइड नॉर्थ, साउथ और वेस्ट में अदर प्रॉपर्टी है, जिसका फ्लोर साइज है 30 फीट बाय 60 फीट और इसका बिल्टअप एरिया है 1500 स्क्वायर फीट। इसमें हमने 2 बेडरूम विथ अटैच टॉयलेट, 1 गेस्ट रूम, किचन विथ स्टोर, लिविंग हॉल, कॉमन टॉयलेट, सेपरेट स्टेयरकेस, कार पार्किंग के लिए कार पोर्च और गार्डनिंग के लिए फ्रंट में ओपन एरिया रखा है। अगर आप भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपना ग्राउंड फ्लोर प्लान। ईस्ट में रोड है, यहाँ पर अपना ये मेन गेट है, फ्रंट में ओपन एरिया दिया है और यहाँ पे लॉन डिजाइन किया है। यहाँ पर मैंने ये पोर्च डिजाइन किया है। कार पोर्च का साइज है 8 फीट 6 इंची बाई 15 फीट। फ्रेंड्स, अपने इस हाउस प्लान में एंट्रेंस के अपने पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट है अपना कार पोर्च से और सेकंड है अपना फ्रंट में। यहाँ पे मैंने ये डोर दिया है, यहाँ से इस डोर से एंटर होते हैं अपने ड्रॉइंग रूम में। ड्रॉइंग रूम का साइज है 11 फीट 3 इंची बाई 11 फीट। ड्रॉइंग रूम में मैंने यहाँ पे ये बैठक का ऑप्शन दिया है और यहाँ पे LED TV का ऑप्शन रखा है। ड्रॉइंग रूम में वेंटिलेशन के लिए मैंने यहाँ पर ईस्ट साइड में विंडो दिया है और एक विंडो यहाँ पे पोर्च की साइड दिया है। फ्रंट में आप जो ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये मैंने बालकनी डिजाइन किया है, जिसका विड्थ है 3 फीट 6 इंची वाइड। अभी अपन देखते हैं अपना किचन एरिया। किचन का साइज है 7 फीट 7.5 इंची बाई 10 फीट 7.5 इंची। किचन में यहाँ पे ये वर्किंग प्लेटफॉर्म है और वेंटिलेशन के लिए मैंने यहाँ पे ईस्ट साइड में विंडो दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये किचन स्टोर भी डिजाइन किया है। किचन स्टोर का साइज है 3 फीट 9 इंची बाई 6 फीट। अभी अपन आगे देखते हैं अपना पूजा रूम। पूजा रूम का साइज है 4 फीट बाई 4 फीट और वेंटिलेशन के लिए पोर्च की तरफ यहाँ पे वेंटिलेटर दिया है। अभी फ्रेंड्स देखते हैं अपना सेकेंड एंट्रेंस का ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, पोर्च से अपन एंटर होते हैं। पोर्च से एंटर होते ही यहाँ पर है अपना स्टेयरकेस, यहाँ से अपन अप करते हैं और यहाँ पर ये अपना सेकंड डोर है। लिविंग हॉल का साइज है 17 फीट 3 इंची बाई 10 फीट 6 इंची। लिविंग हॉल में वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो दिया है। लिविंग हॉल में यहाँ पे ये बैठक का ऑप्शन रखा है। यहाँ पर ये वॉश बेसिन का ऑप्शन दिया है। अभी अपन देखते हैं अपना कॉमन टॉयलेट। कॉमन टॉयलेट का साइज है 4 फीट 9 इंची बाई 7 फीट 9 इंची। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ये OTS दिया है, क्योंकि अपनी 3 साइड अदर प्रॉपर्टी है। कॉमन टॉयलेट का वेंटिलेशन OTS के अंदर दिया है। अभी अपन आगे देखते हैं अपने बेडरूम। हॉल का साइज है 9 फीट 3 इंची बाई 7 फीट 9 इंची। हॉल से अपन इंटर करते हैं बेडरूम में। बेडरूम का साइज है 10 फीट 6 इंची बाई 14 फीट। यहाँ पर ये बेड डिजाइन किया है और सामने LED TV का ऑप्शन रखा है। बेडरूम में मैंने यहाँ पर ये वार्डरोब डिजाइन किया है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, बेडरूम में वेंटिलेशन के लिए मैंने यहाँ पे ये विंडो दिया है। इस बेडरूम में मैंने ये डोर दिया है। इस डोर से बैक साइड में मैंने जो ओपन एरिया दिया है, इधर आ सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप जो ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं, ये मैंने बालकनी डिजाइन किया है, जिसका विड्थ है 3 फीट वाइड। अभी अपन देखते हैं अपना सेकंड बेडरूम। बेडरूम का साइज है 11 फीट 6 इंची बाई 13 फीट। यहाँ पर ये वार्डरोब डिजाइन किया है, यहाँ मैंने ये बेड डिजाइन किया है और यहाँ पर LED TV का ऑप्शन दिया है। इस बेडरूम में वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ओपन एरिया की तरफ विंडो दिया है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने अटैच टॉयलेट दिया है। टॉयलेट का साइज है 5 फीट 9 इंची बाई 6 फीट 1/2 इंची और टॉयलेट में वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ओपन एरिया की तरफ वेंटिलेटर दिया है। यहाँ पर मैंने ये ड्रेस डिजाइन किया है। सो फ्रेंड्स, आज मैंने आपके साथ 30 फीट बाई 60 फीट ईस्ट फेसिंग हाउस प्लान डिस्कस किया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा ये हाउस प्लान कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।